मनमोहन बढ़ाना 80% वोटों से जीत के लाएंगे, जीत के हम बेचेंगे उसको। कलेर बढ़ाना साहब की जीत है, आगे कोई दूसरे काम नहीं कर रहे। जो काम बीजेपी ने किया वो काम कोई सरकार किसी सरकार ने नहीं किया। क्या कुछ लग रहा है माहौल इस बार? फूल बटा फूल है जी, अब की बार बीजेपी सरकार। बीजेपी इतने अच्छे काम करिए, रोड देख लो कहीं पे भी चले जाओ आप, यहाँ तो भाई बीजेपी का होगी भाई, भाई बढ़िया है नंबर। जो सच्चे पढ़े लिखे नौजवान है वो बीजेपी के साथ रहेगा। मोल है भी और बनता जा रहा है, क्योंकि लोगों के दिलों में है बीजेपी। 80% वोट दिलवाओगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब माहौल पूरी तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम हरियाणा के समालखा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के जो बीजेपी के विधायक, बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो मनमोहन बढ़ाना है, जो लगातार जनता के बीच जाकर उनसे संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम मुद्दे लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है आप? शिशवाल। यहाँ समालखा की बात करें तो यहाँ से प्रत्याशी है जो बीजेपी के, मनमोहन बढ़ाना है। क्या लग रहा है इस बार कांटे की टक्कर रहने वाली है, क्योंकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के भी है और कांग्रेस के भी? कलेर बढ़ाना साहब की जीत है और मुद्दों पे बात करेंगे। सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लगाई है। सिलेंडर पहले कपले आकर थे सिलेंडर में, ये सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे। सिलेंडर आप कितने लो, 20 उठाओ 25 उठाओ, घर घर में सिलेंडर पहुंच रहा है। 370 तोड़ी है मोदी जी ने और राम मंदिर बनाया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पब्लिक के अच्छे प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी मनमोहन बढ़ाना है, तो ऐसे में वो जनता के बीच भी जा रहे हैं। कैसा लग रहा है माहौल आपको देख करके चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तरफी जीत है बीजेपी की, एक तरफी जीत है। समालखा विधानसभा क्षेत्र से है, तो ऐसे में लगातार देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता है जनता के बीच जा रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है समालखा विधानसभा क्षेत्र की बात? विधानसभा क्षेत्र की बात करें, मनमोहन बढ़ाना 80% वोटों से जीत के लाएंगे, जीत के हम बेचेंगे उसको। और हमने तो बना दिया, दिल से बना दिया है। 80% वोटिंग कह रहे हैं कि क्या कारण है? बस कारण क्या है, काम लेने आगे कोई दूसरे काम नहीं कर रहे। जो काम बीजेपी ने किया वो काम कोई सरकार किसी सरकार ने नहीं किया। गरीब आदमियों को भी देख रही है, सबको देख रही है, सबको समान कर दिया बीजेपी सरकार ने। आपसे जानते हैं क्या कुछ लग रहा है माहौल इस बार? फूल बटा फूल है जी, हम दो देशी है, हम देशी रहेंगे और बटाने की वोट है। विधानसभा सबको उड़ा के ले जाएगा इस बार, 80% वोट दिलवाओगे। क्या कारण क्या है? काम भी ऐसे करते हैं बीजेपी, काम की मांग है। अभी समालखा विधानसभा क्षेत्र, हाँ जी, ननेड़ा गांव से है। क्या कुछ विकास कर रहे, क्या देखने को? हमारे तो काम इतने कर दे, हमारे पे गिरती नहीं होती। ठीक है, आपसे जानते भाई साहब, आप भी क्या समालखा से जी? क्या कुछ लग रहा है इस बार? अब की बार बीजेपी सरकार। क्या कारण क्या? बस यही काम है, लोग काम देख रहे हैं। आप ही यूथ है, यूथ क्या चाह रहा है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर? यहाँ तो भाई बीजेपी का होगी भाई, भाई बढ़िया है नंबर। एक तरफ मेरे भाई फुल सपोर्ट है, युवा ही अपना रोहित बीजेपी चाह रहे भाई। हाँ, एक तरफ बीजेपी। यहाँ से समालखा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी? हाँ, बीजेपी प्रत्याशी है। कौन है? सारे भाई को बीजेपी है भाई, अपना सारा भाईचारा यही है बीजेपी के। लगातार देखा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। समालखा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इधर से क्या लग रहा है आपको? बीजेपी का भाई सभी धार्मिक का, क्योंकि साफ चलेगा कोई भी धार्मिक नहीं रहा था इस हल्के को। अब की बार साफ चलेगा भी धार्मिक मिला, इसलिए सब सभी इसके साथ हैं। ये अच्छे काम करेगा ना, खर्ची पर्ची से काम करता है। और बीजेपी इतने अच्छे काम करिए, रोड देख लो कहीं पे भी चले जाओ आप, पहले इतने अच्छे काम नहीं होते। सेंडरों को पैसे देते थे, वो बेकार रोड बनाते थे, अच्छी तरक्की करिए बीजेपी के राज में। वैसे अनुभगत है वो, कहीं भी जाओ, जो सच्चे पढ़े लिखे नौजवान है वो बीजेपी के साथ रहेगा। समालखा की बात क्या लग रहा है बीजेपी के साथ? भाई फिलहाल है ना, मोल है भी और बनता जा रहा है, क्योंकि लोगों के दिलों में है बीजेपी। मनमोहन बढ़ाना यहाँ से? मनमोहन बढ़ाना जी है अपने बीजेपी के, यहाँ उम्मीदवार मनमोहन बढ़ाना है। और भाई साहब सभी के हैं, पहले भी उनके पिताजी भी यहाँ दो बार जीत के जा रहे हैं, प्रतार सिंह बढ़ाना। और ये जो जितनी पब्लिक आ रही है ना, ये बिना पैसे की खरीदी हुई पब्लिक है, कोई पुवरा के चक्कर में नहीं आ रही है, ये दिल्ली से आ रही है, छत्तीस बरादरी आ रही है। और जो बीजेपी ने काम कर रखी है वो सबको पता है, फिर भी कुछ मूर्खों के समझ में नहीं आ रहे है। हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये पागल है, पागल बिल्कुल। ये 1000 साल की गुलामी भूल गया, और जो ये कार्य हो रहे हैं उनको भी भूल रहा है। जिनके बच्चे कभी स्टेडियम में कभी सड़क पर दिखाई देते थे, आज भीड़ लगी हुई है, बिना खर्चे पर चीखे लगते हैं वो बच्चे। उनके उनके दिलों में बीजेपी क्यों नहीं होगी भाई?
विवेक पैसा नहीं दे रहे हैं और नौकरी जॉब लग रही है उनकी, तो भाई बीजेपी क्या कुछ लग रहा है इस बार? लग रहा है भाई, लग रहा है। इस देश को शिक्षित बनाना है, विकसित बनाना है, ये हर बच्चा जानता है। शिक्षित कैसे बनाएंगे हम? भाई बीजेपी है एक तरफा, बीजेपी है एक तरफा पूरे समालखा में, बीजेपी एक तरफा है। मतलब कारण क्या है कि दूसरी तरफ तो कांग्रेस भी है? नहीं, काम बढ़िया कर रखे इसने सारे, बहुत बढ़िया काम, रोड का, गैस सिलेंडरों का, उसे बिगर पर नौकरी लग रही है हमारे गाँव में, नीरे लग के। ठीक है, आपसे जानते हैं भाई साहब, समालखा विधानसभा में क्या माहौल? विधानसभा में बीजेपी मोदी जी को वोट, यहाँ से प्रत्याशी है मनमोहन बडाना जी, 1995 में इनके पिताजी रह चुके हैं यहाँ पे, साहब एमएलए भी रह चुके हैं, उन्होंने अस्माल का लिए बहुत बढ़िया काम किया है, और हम तो मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, और मतलब की अस्माल का विधानसभा से अब 2024 में बडाना जी आएंगे अस्माल का क्षेत्र। तो बिल्कुल लगातार जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि अगर हरियाणा विधानसभा यानी कि समाल का विधानसभा की बात करें तो यहाँ से मनमोहन बडाना जो बीजेपी से प्रत्याशी है वो लगातार उनमें देखा जा रहा है कि जो जनता है वो साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही है कि यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो, हालांकि उनका जो माहौल है वो पूरी तरीके से गरमाया हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक सीधे तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि जिस प्रकार से विकास कार्य इधर बीजेपी ने हरियाणा में किए, ऐसे ही अब वो चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर कोई भी सत्ता में आता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन वो चाह रहे हैं कि विकास के कार्यों पे हालांकि यहाँ पर देखा जाए और कोई भी सत्ता में आए तो विकास के कार्यों पर जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाए। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।